नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है वन प्लस नोट सी टू लाइट 5G। दोस्तों हम देखने वाले कि आप किस तरीके से इस फोन में ऐप लॉक का यूज कर सकते हो। आप अपने फोन में किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हो पासवर्ड के साथ। इसके अलावा अगर आपको किसी भी ऐप को हाइड करना हुआ तो आप किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हो और वो भी पासवर्ड के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऐप लॉक के बारे में, आपको उसे कैसे सेटअप करना है और कैसे यूज करना है। तो ऐप लॉक को यूज करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, प्राइवेसी में, और आपको मिलेगा ऑप्शन ऐप लॉक का। आप यहां पे देख सकते हो, आपको इस पे टैप करना है और सबसे पहले आपको अपना प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना है ऐप लॉक का यूज करने के लिए। तो हम करेंगे सेट पासवर्ड, फिर आपको स्वाइप करना है और यहां पे दिया गया है कि ऐप लॉक के लिए, हाइड ऐप्स के लिए और अपनी फोटोज और वीडियोस को हाइड करने के लिए सभी के लिए एक ही पासवर्ड का यूज होगा। तो आपको सभी के लिए एक पासवर्ड सेट करना है। तो हम करेंगे सेट यूनिफाइड पासवर्ड, फिर आपको अपना लॉग इन पासवर्ड एंटर करना है। फिर अब आपको अपना नया पासवर्ड जो है सेट करना है प्राइवेसी पासवर्ड, मतलब कि ऐप लॉक और हाइड ऐप्स को यूज करने के लिए। हालांकि आप जो पासवर्ड टाइप है उसे भी चेंज कर सकते हो, आपको इस पे टैप करना है। और मैं चाहता हूं 4-डिजिट पासवर्ड टाइप चूज करना, तो मैं करूंगा इस पे टैप और मुझे अब पासवर्ड सेट करना है। यूज कीजिए, वापस वेरीफाई कीजिए। फिर आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन चूज करना है और उसका आंसर फिलअप करना है। ये जरूरी इसलिए है, मान लो अगर आप फ्यूचर में अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो आप पासवर्ड को रिसेट कर सकते हो क्वेश्चन का आंसर देकर। तो हम यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन को चूज करेंगे या फिर आप अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हो, बना सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे अब एक क्वेश्चन अपने हिसाब से चूज करेंगे, नेम ऑफ योर हाई स्कूल। मैं यहाँ पे कोई भी जो भी आंसर होगा वो फिलअप करूंगा। इसके बाद आपको करना है टिक पे टैप, फिर आपको करना है स्टार्ट। तो ऐप लॉक को यूज करने के लिए आपको अब इसे ऑन करना है। तो ये है सारे ऐप्स जिन्हें आप लॉक कर सकते हो। तो आपको जिन ऐप्स को लॉक करना है आपको उसे ऑन करना है, फाइल्स बाय गूगल, जीमेल, आप जिन्हें लॉक करना चाहते हो आप उन्हें चूज कर सकते हो। तो मैंने इन ऐप्स को लॉक कर दिया है। अगर आपको देखना हुआ कि आपने कौन कौन से ऐप्स को लॉक किया है तो आप लॉक्ड पे टैप कीजिए, जो भी आपने लॉक किए यहां पे शो करेंगे। और आपको सभी ऐप को देखना हुआ तो ऑल पे टैप कीजिए, यहां पे सभी ऐप्स शो करेंगे। तो मान लो मैंने जैसे लॉक किया है माय फाइल्स या फोटोज, तो उन्हें अगर मैं ओपन करूंगा तो आप देखोगे आपको ऐप लॉक पूछा जाएगा, फिर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद ही वो ओपन होगा। इसके अलावा फोटोज, ये भी मैंने ऐप लॉक में ऐड किया है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे ऐप लॉक पूछा जाएगा। लेकिन एक चीज जो आपको चेंज करनी है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने माय फाइल्स को ओपन किया था, अगर मैं इसे वापस ऑन करूंगा, ओपन करूंगा, तो मुझे ऐप लॉक नहीं पूछा जाएगा, ये डायरेक्ट ओपन हो चुका है बिना पासवर्ड के। अगर मैं फोटोज को ओपन करूंगा तो ये भी डायरेक्ट ओपन हो जाएगा बिना पासवर्ड के। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी ऐप को एक बार ओपन करते हो तो दोबारा अगर आप उसे ओपन करोगे कितनी भी बार तो बिना पासवर्ड के ही ओपन होगा। जब तक आप अपने फोन को लॉक नहीं करोगे, अनलॉक नहीं करोगे, तब तक ऐप लॉक दोबारा एक्टिव नहीं होगा। आप देख सकते हो अब ऐप लॉक काम करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं जब भी किसी ऐप को ओपन करूं तो हर बार मुझे ऐप लॉक पूछा जाना चाहिए, तो आप ऐसा भी सेट कर सकते हो। तो आपको ऐप लॉक की सेटिंग्स में जाना है, तो गियर के आइकन पे आपको टैप करना है ऊपर में, और ये जो ऑप्शन है लॉक ऐप व्हेन, आपको इस पर टैप करना है और आपको करना है एग्जिटिंग दी ऐप, दूसरे ऑप्शन पे आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद आप देखोगे अब मैं जितनी भी बार ओपन करूंगा किसी भी ऐप को, हर बार मुझे ऐप लॉक पूछा जाएगा। आप देख सकते हो वापस अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो वापस मुझे ऐप लॉक पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप हर बार ऐप लॉक को एक्टिव कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फिंगरप्रिंट और फेस का भी यूज करना हुआ ऐप लॉक को यूज करने के लिए, तो आप उसे भी इनेबल कर सकते हो। आपको ऐप लॉक में जाना है, सेटिंग्स के आइकन पे टैप करना है ऊपर में, और ये जो ऑप्शन है अदर अनलॉक मेथड्स, आपको इस पे टैप करना है और करना है फिंगरप्रिंट और फेस, अगर आप फेस का भी यूज करना चाहते हो तो। ठीक है, अभी फिलहाल मैं फेस का यूज नहीं करना चाहता, मैं केवल फिंगरप्रिंट का यूज करना चाहता हूं। तो अब मैं दो तरीके से ऐप लॉक को अनलॉक कर सकता हूं, फिंगरप्रिंट और पासवर्ड। तो अगर आप किसी भी ऐप को ओपन करोगे तो आपको देना पड़ेगा फिंगरप्रिंट, आप देख सकते हो, या फिर अगर आपको पासवर्ड भी देना हुआ तो आप पासवर्ड भी एंटर कर सकते हो। आपको इस पर टैप करना है, फिर आपका जो पासवर्ड है उसे एंटर करना है। तो इस तरीके से आप पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हो ऐप को अनलॉक करने के लिए। इसके अलावा एक और सेटिंग से ऐप लॉक में, तो ये है हाइड नोटिफिकेशन कंटेंट। अगर आप इसे ऑन करोगे तो
तो जिन किसी एप्स को आपने ऐप लॉक में हाइड किया है उनकी नोटिफिकेशन तो आएगी लेकिन उसका कंटेंट क्या है यहाँ पे शो नहीं करेगा। जैसे कि मान लो व्हाट्सएप से कोई मैसेज आता है तो उसकी नोटिफिकेशन तो शो करेगी लेकिन व्हाट्सएप में क्या मैसेज है क्या कंटेंट है आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। जब तक कि आप उस ऐप को ओपन नहीं करते तब तक आप उस मैसेज को रीड नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आपको इसे ऑन करना है। अगर आप चाहते हो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैसेज शो करे क्या मैसेज है मुझे कंटेंट शो करे यही पे बिना ऐप को ओपन किए, तो आपको इसे ऑफ करना है। तो आप अपने हिसाब से इसे ऑन या ऑफ रख सकते हो। अगर आपको किसी भी ऐप को ऐप लॉक में से निकालना है रिमूव करना है तो आपको उसे यहां से डिसेबल करना है ऑफ करना है। तो आप देखोगे जो ऐप्स होंगे ऐप लॉक में से रिमूव हो जाएंगे, मतलब मैं बिना पासवर्ड के उन्हें अब ओपन कर सकता हूं। आप यहां पे देख सकते हो वापस ऐड करना है तो आपको वापस उन्हें ऑन करना है ऐप लॉक की सेटिंग्स में जाकर यहां पे ऑन करके उन्हें ऐप लॉक में ऐड कर सकते हो। जो भी ऐप लॉक में ऐड करोगे आपको लॉग्ड में शो करेंगे इस तरीके से। और अगर आप कुछ समय के लिए ऐप लॉक का यूज नहीं करना चाहते हो तो आपको यहां पे ऐप लॉक को ऑफ करना है। अब ऐप लॉक काम नहीं करेगा किसी भी ऐप में, आप बिना पासवर्ड के किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हो क्योंकि हमने अब ऐप लॉक को ऑफ कर दिया है। और आप जब चाहे तब वापस ऐप लॉक को ऑन कर सकते हो ऐप लॉक की सेटिंग्स में जाकर। तो अब आपको इसे करना है ऑन तो ऐप लॉक पहले की तरह काम करने लगेगा। जो भी ऐप्स आपने ऐप लॉक में ऐड किए उसके लिए आपको पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, आप देख सकते हो। तो ये था ऐप लॉक के बारे में। अब हम देखेंगे आपको किसी भी ऐप को किस तरीके से हाइड करना है पासवर्ड के साथ। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, प्राइवेसी में, और ये रहा ऑप्शन हाइड ऐप्स का, आपको इसे ओपन करना है। फिर आपको अपना यहां पे एक्सेस कोड सेटअप करना है। तो हम करेंगे सेटअप, अपना पासवर्ड जो है प्राइवेसी पासवर्ड जो हमने सेटअप किया था उसे एंटर करना है। तो आप यहां से अपने किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हो। मान लो मुझे इस ऐप को हाइड करना है तो मैं इसे ऑन करूंगा और सेटिंग्स पे आपको टैप करना है, अपना एक्सेस कोड सेटअप करना है। आपको एक्सेस कोड के लिए पहले हैश देना है, फिर आप कोई भी नंबर देख सकते हो और लास्ट में भी हैश। इस तरीके से आपको एक्सेस कोड सेट करना है, पहले भी हैश होना चाहिए और एंड में भी हैश होना चाहिए और बीच में आप कोई भी नंबर सेट कर सकते हो। इसके बाद आपको टिक पे टैप करना है और फिर आपको करना है डन। तो आपको जो भी एप्स अब हाइड करने हैं आपको उन्हें यहां पे ऑन करना है, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐप्स को हाइड कर लिया है, अगर आपको देखना हुआ आपने कौन कौन से ऐप्स को हाइड किया है तो आपको हिडन पे टैप करना है और ये है वो जो ऐप्स जो आपने हाइड किए हैं। तो अगर आपको इन्हें देखना हुआ तो कैसे देखोगे, क्योंकि अब ये आपको शो नहीं करेंगे। यहां पे आप देखोगे जो भी एप्स आपने हाइड किए हैं यहां पे अब शो नहीं करेंगे। तो अगर आपको उन्हें एक्सेस करना हुआ तो कैसे करोगे, तो आपको डायल पैड को ओपन करना है और यहां पे आपका जो डायल कोड है एक्सेस कोड उसे एंटर करना है, #00# जो हमने सेट किया था। इसके बाद आप अपने हिडन एप्स को यहां पे देख सकते हो इस तरीके से। और अगर आपको किसी भी ऐप को ओपन करना हुआ तो आप यही से उसे ओपन कर सकते हो और जब भी आप इसे क्लोज करोगे तो आपको रिसेंट ऐप्स में वो ऐप शो नहीं करेगा, आप देख सकते हो। हाइड करने का मतलब होता है कि ऐप ड्रॉअर में से वो हाइड हो जाएगा, इसके अलावा रिसेंट ऐप्स में भी वो शो नहीं करेगा और उसकी नोटिफिकेशन भी आपको शो नहीं करेगी। अब बात करते हैं हाइड ऐप्स के सेटिंग्स की। तो आपको जाना है हाइड ऐप्स में और ये है हिडन ऐप्स का पेज। आपको जाना है सेटिंग्स में, आप यहां से अपना जो एक्सेस कोड है उसे चेंज कर सकते हो, प्राइवेसी पासवर्ड भी आप यहां पे चेंज कर सकते हो। इसके अलावा हाइड नोटिफिकेशंस फॉर हिडन ऐप्स, तो मतलब जो भी ऐप्स आप हाइड करते हो उसकी नोटिफिकेशन आपको शो नहीं करेंगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो भी ऐप्स मैंने हाइड की है उसकी नोटिफिकेशन मुझे शो करे तो आपको इसे ऑफ करना है। तो ये थी हाइड ऐप्स की सेटिंग्स। तो इस तरीके से आप किसी भी ऐप को हाइड या अनहाइड कर सकते हो। अगर आपको अनहाइड करना हुआ तो उसे ऑफ कीजिए तो जो ऐप्स होंगे अनहाइड हो जाएंगे। जैसे कि मान लो आप देख सकते हो इंस्टाग्राम को मैंने यहाँ पे हाइड किया था लेकिन अब मैंने अनहाइड कर दिया है तो इंस्टाग्राम यहाँ पे शो करेंगे, ये रहे इंस्टाग्राम आप देख सकते हो। अगर मैं इसे हाइड करूंगा इंस्टाग्राम को, तो मान लो मुझे इंस्टाग्राम को करना है हाइड तो मैं इन्हें करूंगा हाइड, अब आपको इंस्टाग्राम शो नहीं करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्टाग्राम नहीं है। अगर आपको उसे एक्सेस करना हुआ तो आपको जाना पड़ेगा फोन ऐप में, आपको डायल करना है आपका एक्सेस कोड #00#, आपने जो सेट किया होगा वो, और आप आपके जो हिडन ऐप्स है इस तरीके से देख सकते हो, उन्हें एक्सेस कर सकते हो, उन्हें ओपन भी कर सकते हो इस तरीके से।
तो इस तरीके से आप अपने OnePlus Nord CE 2 Lite 5G में ऐप लॉक और हाइड एप्स का यूज कर सकते हो। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।